पहले मेरी नाक टेढ़ी हो गई थी, पहले मैंने मतलब सूरत में ऑपरेशन कराया था जिससे प्रॉब्लम हो गई थी एक साल तक, जहाँ मैंने पहले सर्जरी कराई थी वहाँ पे उन्होंने सही नहीं किया, नाक के अंदर पट्टी रह गई थी, पट्टी रह गई थी वो मैंने जहाँ कराई थी सूरत में डॉक्टर ने उसने पट्टी अंदर रख दी थी नाक के अंदर, उसने पट्टी अंदर रख दी थी नाक के अंदर। दिल्ली आके YouTube पे देखा था मैंने वीडियो, इन्होंने किया अच्छा हुआ एकदम बढ़िया, अच्छा लग रहा है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले सांस लेने में प्रॉब्लम थी। सर्जरीज़ के हम बहुत वीडियोस डालते हैं, जैसे कि मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ कि हर एक पेशेंट स्पेशल है, उसकी नीड स्पेशल है, उसके डिज़ायर स्पेशल हैं, वो किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है वो डिफरेंट है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है कि हर पेशेंट की हम आपसे स्टोरी शेयर करें, क्या पता कौन सी चीज़ किसको कहाँ वर्ल्ड में हेल्प कर जाए। अब इन पेशेंट की हम बात करते हैं, इन्होंने नो सर्जरी सूरत में कराई थी और ये बहुत दुखी थे सर्जरी कराने के बाद, क्योंकि इनकी नोज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक इनको डिज़ायर था कि बहुत शार्प और नोज़ अच्छी दिखे, तो इन्होंने बिना रिसर्च किए हुए कहीं अपनी सर्जरी करा ली और बहुत पछताए। क्यों? क्योंकि ये नाक से सांस नहीं ले पा रहे थे और जैसे पहली नाक थी इनका कहना था कि उससे भी नाक मेरी ख़राब हो गई। ये मेरे पास 3 महीने बाद सर्जरी की इन्होंने कांटेक्ट किया था और मैंने इनको वेट करने को बोला था कि लेट एवरीथिंग सेटल डाउन देन आई विल सी। तो 1 साल के बाद ये मेरे पास दोबारा कंसल्टेशन के लिए आए, मैंने इनको सीटी स्कैन करने को बोला। सीटी स्कैन में बहुत सारे इश्यूज दिखे मुझे, जो कि आई डिस्कस विद हिम कि हम उसको फिक्स करेंगे। अगर आप इनकी नाक ध्यान से देखें, आप देख सकते हैं कि टिप में कोई सपोर्ट नहीं है, आईब्रोज़ के नीचे नोज शुरू हो रही है, फिर ऊपर एक छोटा सा हम्प है, फिर टिप बिल्कुल नीचे बैठ रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। और अगर फ्रंट व्यू देखें तो ऐसे कर्व जैसी लुक आती है और सांस लेने में इस लड़के को बहुत दिक्कत हो रही थी। आप देखें टिप कैसे बैठी हुई लग रही है, ऐसे लगता है कि टिप बिल्कुल नीचे बैठ गई हुई है। और फ्रंट प्रोफाइल से भी देखें, कहीं से ये नोज़ पोस्ट राइनोप्लास्टी नोज़ नहीं लग रही है, जिस डिज़ायर से इन्होंने ये सर्जरी कराई थी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये 2 साल तक डिप्रेशन में थे, किसी से बात नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, यही सोच के कि अब मैं क्या करूँगा। जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनकी प्रॉब्लम देखी, सीटी स्कैन करवाया, बोन्स की क्या सिचुएशन है वो देखा, बट टू माई सरप्राइज व्हेन आई वाज डूइंग द सर्जरी इनके नाक के अंदर एक गॉज पड़ी थी जो कि इनका नोज़ ब्लॉक किए रही थी, वो गॉज पीस ही था जिसकी वजह से ये ब्रीद नहीं कर पा रहे थे। अब आप सोचेंगे ये किस डॉक्टर ने किया, ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी, गलती थी। आपको ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ, जो गॉज पीस आप सुनते हैं किसी के पेट में रह के कहीं रह के, ये दरअसल बीइंग अ डॉक्टर, डोंट थिंक कि मैं डॉक्टर को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं आपकी बहुत लोगों को गलत फहमी होती है वो मैं क्लियर कर रही हूँ। दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रब सिस्टर, उनका काम रहता है गिन के गॉज पीस डॉक्टर को देना और गिन के वापस लेना, क्योंकि डॉक्टर इज़ बिजी इन डूइंग द सर्जरी। अगर जो डॉक्टर का असिस्टेंट है वो विजिलेंट नहीं है, वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया है, वो गिन के गॉज और गिन के गॉज वापस नहीं लिए हैं, उन्होंने बीच में केयरलेसनेस शो की है, उस वजह से ये जो गॉज है इनकी नाक में छूट गई।
और 2 साल से ये इंसान सफ़र करते रहे, सांस लेने में बिल्कुल नोज ब्लॉक थी लेफ्ट साइड से, ही कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, बट यू सी अ स्मॉल केयरलेसनेस ऑन पार्ट ऑफ द मेडिकल स्टाफ लेड टू सो मच ऑफ प्रॉब्लम इन दिस पेशेंट्स लाइफ फॉर 2 ईयर्स। तो जो भी डॉक्टर के यहाँ काम करते हैं, अपना काम अच्छे तरीके से करें, आपकी वजह से डॉक्टर की रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए और किसी की ज़िंदगी या किसी की लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो नॉट ओनली द कॉस्मेटिक, अगर आप इसका एस्थेटिक रिज़ल्ट भी देखें, हो सकता है उस गॉज पीस की वजह से जो उस डॉक्टर ने इनका एस्थेटिक रिज़ल्ट किया हो वो ठीक ढंग से बाहर नहीं आया हो, क्योंकि अगर एक फॉरेन बॉडी नाक में इतने साल से पड़ी हुई है तो उसके अराउंड बहुत इन्फ्लेमेशन और एडिमा और स्वेलिंग रहती है और इन्फेक्शन भी हो सकती है जिसकी वजह से कार्टिलेज एब्जॉर्ब हो सकती है। जो स्ट्रक्चर डॉक्टर ने यूज़ किया होगा वो सही ढंग से यूज़ नहीं हुआ और इसका एस्थेटिक रिज़ल्ट जिस हिसाब से आना चाहिए 2 साल में भी नहीं आया। तो अब इसमें हमने क्या किया, हमने क्योंकि इनकी सेप्टम बुरी तरीके से डैमेज थी, हमने नए तरीके से इनकी सेप्टम बनाई, इनको टिप सपोर्ट दी ताकि इनकी टिप जो है वो सपोर्टिव लगे। टिप सपोर्ट करने के बाद हमने इनको डॉर्सल हाइट दी, इनकी जो नोज़ था वो डिविएटेड था, नेजल बोन डिविएटेड थी, नेजल बोन्स को हमने सेंटर में किया, नाक बहुत शॉर्ट था फेस के लिए, नोज़ को अगेन हमने लेंथ दी ताकि लॉन्ग शार्प नोज़ लगे, क्योंकि इनका चेहरा लंबा और बड़ा था, छोटा नाक इनके चेहरे पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, पूरी इनकी अपेरेंस जो थी चेंज हो चुकी थी, नाक बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी, नॉस्ट्रल्स बिल्कुल राउंड थे क्योंकि टिप को कोई सपोर्ट नहीं थी। जैसे ही हमने इनकी नेजल बोन्स सीधी की, डॉर्सल हाइट दी, गॉज अंदर जो पड़ा था उसको निकाला, टिप को सपोर्ट दी, नॉस्ट्रल्स ठीक हो गए, नाक बिल्कुल सीधी दिखना शुरू हो गई, नाक से सांस भी आना शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं पेशेंट की ज़ुबानी कि उनको कैसा फील हुआ सर्जरी के बाद। और हम अपने वीडियोस में फॉलो अप भी लेते रहते हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी देख सकें, ये नहीं कि 10 दिन पे अच्छा है और 1 साल के बाद ख़राब हो गया। अगर आप देखें बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो पुरानी सर्जरी हो गई उनका 1 साल के बाद आपको फॉलो अप बताया जाता है। हमारा ही एक इंडिया में ऐसा चैनल होगा, हर पेशेंट को एक प्रीशियस पर्सन समझा जाता है और उनको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो अप किया जाता है और उनका एक्सपीरियंस जैसा हो वैसा शेयर किया जाता है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि नाक पहले से ख़राब हो गई, सूज गई, तो हम उनको बॉदर नहीं करते क्योंकि एज लॉन्ग एज आर पेशेंट्स आर हैप्पी वी डोंट केयर अबाउट द नेगेटिविज्म। हम ये सर्जरी अपने पेशेंट्स के लिए करते हैं, ना कि अच्छे कमेंट्स के लिए। तो जहाँ तक सवाल है हमारे वीडियोज़ बनाने का, ये हम हेल्प करने के लिए करते हैं उन लोगों की जिनको हेल्प की ज़रूरत है। बट योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, विद अ नेगेटिव और पॉजिटिव, वी ऑलवेज एक्सेप्ट पॉजिटिव कमेंट्स बट वी सी क्रिटिसिज्म विद अ गुड आई। अगर हमें लगता है कि किसी का कमेंट वर्थ वाइल है, वी इम्प्रूव ऑन इट, वी वर्क ऑन इट, वी टेक ऑल द क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो, बट एज लॉन्ग एज आवर पेशेंट्स आर हैप्पी वी आर हैप्पी, वील कीप ऑन मेकिंग दीज वीडियोज टू एनकरेज यू एंड हेल्प यू थ्रू द हीलिंग प्रोसेस ऑफ एनी कॉस्मेटिक सर्जरी। पहले मेरी नाक टेढ़ी हो गई थी, पहले मैंने मतलब सूरत में ऑपरेशन कराया था जिससे प्रॉब्लम हो गई थी 1 साल तक, फिर मैं यहाँ पे आया दिल्ली आके, यूट्यूब पे देखा था मैंने वीडियो, फिर यहाँ आया दिल्ली, मनीषा कपूर डॉक्टर, इन्होंने किया, अच्छा हुआ, एकदम बढ़िया, अच्छा लग रहा है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले सांस लेने में प्रॉब्लम थी और नाक भी सही हो गया अभी। अगर किसी को राइनोप्लास्टी कराना हो तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनको? मैं तो मनीषा कपूर का ही कहूँगा क्योंकि मैंने पहले कराई थी, सही नहीं हुआ, पैसे भी बर्बाद हो गए और कोई
वहाँ पे सही नहीं हुआ, इससे ऐसा जो भी अपना पैसा खराब नहीं करे, मोनिशा कपूर दिल्ली आके कराए सही है रिजल्ट। जहाँ मैंने पहले सर्जरी कराई थी वहाँ पे उन्होंने सही नहीं किया, नाक के अंदर पट्टी रह गई थी, मेरे को पता नहीं था, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। फिर मैं यहाँ के डॉक्टर कराए तो मनीषा कपूर ने वो पट्टी निकाली, तब पता चला कि वो अंदर पट्टी रह गई थी। वो मैंने जहाँ कराई थी सूरत में डॉक्टर ने, उसने पट्टी अंदर रख दी थी नाक के अंदर। आपको कितना दर्द हुआ और कैसा फील हुआ? मेरे को फील बहुत अच्छा हुआ, दर्द तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जिस दिन सर्जरी हुआ नॉर्मल होता है, इतना कोई दर्द नहीं है और फील अच्छा है। नोज मेरा पहले से अच्छा हो गया, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है अभी, बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल से फोन और मैसेज आते थे, पूछते थे आपको कैसा है, ये सब ध्यान रखने लिए आते, कोई मेरे को परेशानी नहीं हुई, आराम से, कोई परेशानी नहीं हुई थी, आराम से हुआ सब कुछ। For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.